टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा में एनसीपी पार्टी की संगीता पालेकर ने मेहंदी डिजाइन कंपटीशन रखा था, जिसमें सहभाग आसमा ब्यूटी पार्लर और नेचुरल ब्यूटी पार्लर ने लिया था। इस मेहंदी डिजाइन कंपटीशन में करीब 150 महिलाएं और लड़कियों ने भाग लिया था। मेहंदी की खास डिजाइन बनाने के लिए दी गई थी, जिसमें घड़ी बनाना जरूरी है और पहला इनाम 5,000 रुपये का था और दूसरा इनाम 3,000 रुपये और तीसरा इनाम 2,000 का था। साथ ही खूबसूरत डिज़ाइन बनाने वाली लड़कियां और महिलाओं को आसमा ब्यूटी पार्लर और नेचुरल ब्यूटी पार्लर की तरफ से मेकअप कोर्स और अन्य तरह की फैसिलिटीज़ मुहैया कराई जाएगी, यानी कि लगभग सभी लोगों को कुछ ना कुछ मिलेगा। मेहंदी डिज़ाइन कंपटीशन का आयोजन करने वाली संगीता पालेकर और आसमा ब्यूटी पार्लर की डायरेक्टर आसमा, साथ ही नेचुरल ब्यूटी पार्लर की चारू ने इस मेहंदी कंपटीशन के बारे में क्या जानकारी दी। संगीता मैडम, आज आपके यहाँ मेहंदी कंपटीशन रखा गया है, क्या वजह है? इसके पहले भी एनसीपी पार्टी की तरफ से इस तरह का प्रोग्राम का आयोजन किया गया था, ये शायद दूसरा प्रोग्राम है जो आपके तरफ से आयोजन किया जा रहा है। हमारे आदरणीय मंत्री जी अवर साहब, सैयद अली भाई साहब, रूता मैडम, हमारे शमीम भाई, शानू पठान और सारे नगर सेवक आए। हमारी एक नगर सेवक है मौजूद है, फरजाना भाभी, आशीन भाभी अब भी जस्ट आकर गए। ये सबके सहयोग से मैंने ये मेहंदी कंपटीशन रखा है और बहुत अच्छा उसको रिस्पांस मिला है, क्योंकि हम लोग को भी नहीं पता था कि इतना अच्छा रिस्पांस मिलेगा। इसमें 150 महिलाएँ थे, लेकिन हमारा क्या हो गया कि 26 तारीख का दौरा 30 तारीख होने की वजह से कुछ महिलाओं को दिक्कतें आ गई, वो नहीं आ पाई है, क्योंकि इट वॉज ऑन 26 और रीशेड्यूल होने की वजह से थोड़ा सा हो गया। तो अभी हमारे यहाँ 125 महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया है। मेहंदी डिजाइन में कुछ खास हमने मेहंदी डिजाइन में जो दिया है, एक फ्लावर डिजाइन दिया है जिसमें गुलाब है, और एक फ्लावर डिजाइन दिया पीछे की तरफ से जिसमें हमने बोला है कि घड़ी निकल, तो हमारे राष्ट्रवादी का एक सिंबल आ जाएगा। इसमें प्राइस वगैरह क्या है? कैश प्राइस है पहले 5 को और नेक्स्ट 10 को आसमा ब्यूटी पार्लर की तरफ से, इन्होंने भी 10 जन को क्रैश कोर्सेस करा दिया है ब्यूटिशियंस का। और एक ब्यूटी पार्लर ब्यूटिशियन यहाँ बैठा है, उन्होंने भी कहा कि हम सबको ही दे रहे हैं, तो कोई यहाँ से मायूस होके नहीं जाएगा, सबको कुछ ना कुछ हम देने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि आपकी तरफ से पिछली बार भी जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड आई थी उन्हें दिया गया था, कुछ लड़कियों को आपकी तरफ से फ्री कोर्सेस वगैरह भी कराए गए, तो यहाँ पर भी आप किस तरह से लड़कियों को, जिस तरह 100-150 लड़कियाँ पर जो पार्टिसिपेट की, आपके तरफ से उनकी किस तरह से जो है अपनी तरफ से मदद की जाएगी? अभी देखिए मुमरा में माशाल्लाह टैलेंट बहुत है, तो लास्ट टाइम हमने 5 लड़कियों रखा था, लेकिन इस बार हम 10 लड़कियों को रख रहे हैं मेकअप आर्टिस्ट कोर्स में। ब्यूटिशन का भी कोर्स रहेगा, उसमें क्रैश कोर्स है उसका। तो मैं जहाँ पे मुमरा में लड़कियाँ हैं, जहाँ पे टैलेंट है, जो संगीता ताई ने इतना अच्छा मेहंदी इवेंट रखा है, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, तो मैं बिल्कुल इनके साथ में और सब जहाँ मुमरा की लड़कियों है, जहाँ प्लेटफॉर्म मिलता है, वहाँ मैं हमेशा रहूँगी। क्या नाम है आपका? चारू। ब्यूटी पार्लर है क्या नाम? नेचुरल ब्यूटी पार्लर। आपने यहाँ पर किस तरह से पार्टिसिपेट किया है और आपके ब्यूटी पार्लर के तरफ से क्या क्या खासतौर पर इनाम या उनके जो है ट्रेनिंग के लिए कुछ है? यहाँ पे भी अराउंड 115-150 पार्टिसिपेंट्स है। एज अ जज हम लोग सबको देख रहे हैं एंड बहुत अच्छा सबका टैलेंट भी है, तो कोई यहाँ से मायूस होके ना जाए, इसलिए हर किसी को कुछ ना कुछ मिले उसके वक्त, इसलिए हम हमारे पार्लर की तरफ से, नेचुरल ब्यूटी पार्लर की तरफ से जितनी पार्टिसिपेंट्स हैं सबको 1 डे का मेकअप का प्रोफेशनल क्लास फ्री दिया जाएगा। आप क्या कहेंगे इस तरह के मेहंदी कंपटीशन जो हो रहे हैं और कहीं ना कहीं होना भी चाहिए, तो ऐसे कंपटीशन के आयोजनों को लेकर आप? अस्सलाम वालेकुम, ये जो हमारा मेहंदी कंपटीशन है, हमारे कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र रावत साहब, हमारी रूता अवार्ड मैडम जो हमेशा लेडीज़ को लेके पॉजिटिव रहती है और वो आगे रहती है उनको लेकर, और हमारे सैयद अली भाई साहब है, शमीम खान साहब है, हमारे विरोधी पक्ष नेता अशरफ शानू पठान साहब है, सभी कॉरपोरेटर्स, इन सभी के सहयोग से हमारी
संगीता ताई ने ये जो इवेंट रखा है बहुत अच्छा इवेंट रखा है लेडीज़ लोग के लिए, क्योंकि लेडीज़ में जो टैलेंट रहता है वो बाहर नहीं आता है, तो उन्होंने मेहंदी के ज़रिए उनका टैलेंट बाहर लाने की कोशिश की है। और मुंब्रा की लड़कियों को हमेशा राष्ट्रवादी ने कोई ना कोई प्लेटफॉर्म दिया है कि वो अपना टैलेंट आगे दिखाएं। तो और जो आसमा ब्यूटी पार्लर की जो इंस्टीट्यूट की अध्यक्ष है उन्होंने भी इसको कोलैबोरेट किया है, तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि वो लेडीज़ को लेके बहुत पॉजिटिव रहती है और वो हर चीज़ में हमारा साथ देती है। और बस मैं यही कहना चाहूँगी, और लोगों को वो देख कर मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत उत्साह है उनमें, क्राउड तो मुझे बहुत लग रहा है अल्हम्दुलिल्लाह देख कर। तो मैं चाहूँगी कि हर बार हम ऐसा कोई ना कोई इवेंट रखें जो लड़कियाँ इसमें पार्टिसिपेट करें और अपना टैलेंट आगे दिखाएं।